सर मूड क्या है? मोदी नहीं, तेजस्वी तो नहीं, तेजस्वी नहीं 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 अपना मोदी जी को कि मोदी जी तोरे नाम पर सब लोग मलाई खा रहे लो, तोरे नाम पर ही लोग संसद भवन जा रहे लो। नहीं नहीं मोदी जी तेजस्वी यादव तो कहीं है ही नहीं है, सब तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं, सब ऐसी हवा हवाई है। केकरो कुत्ता बकरी भैंस गधा केकरो बांध दीजिए, केकरो वोट दे देंगे, केकरो दे देंगे, हम तो तेजस्वी यादव को देंगे। क्यों तेजस्वी यादव को दीजिएगा? हमको तो वही अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल, तेजस्वी अच्छा लग रहा है। क्यों इतना तेजस्वी अच्छा लग रहा है? अरे कुछ तो लगा हमको उसके अंदर, इसलिए हमको अच्छा। अरे मोदी जी इस बार अनगिनत रिकॉर्ड, इस बार रिकॉर्ड रिकॉर्ड मोदी जो जो बोले वो करके दिखा देंगे ग्राउंड में। विपक्ष तो उड़ गया, अब कहूँ है कुछ नहीं है, उड़ गया हवा में। ये बॉलर का रोल निभा रहा है, बैट्समैन तो हम ही लोग रहेंगे। कम से कम एक बॉलर का तो मिसाल तो दिया कि एक बॉलर होना चाहिए बैट्समैन को आउट करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों में जुट गई है। और देखिए आज हम पहुंचे हैं नवादा लोकसभा क्षेत्र में, मेरे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है, इस बार मूड क्या है। मोदी नहीं तेजस्वी तो नहीं, तेजस्वी नहीं 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 वो सब नहीं। तो फिर हम लोग यही कहते हैं अपना मोदी जी को कि मोदी जी तोरे नाम पर सब लोग मलाई खा रहे लो, तोरे नाम पर ही लोग संसद भवन जा रहे लो, एकरा पर तुम विचार करो और विचार करके एकरा बदलो, इसलिए कि कोई काम के नहीं हो। तो दिल्ली में कहो हो कि तो जा अपन क्षेत्र और क्षेत्र में जाके काम करो, पर ये लोग क्षेत्र में एक दिन भी मरने पर भी कोशिश करने लोग नहीं आया, मतलब एक दिन भी घूमने लोग नहीं, चिराग पासवान तो एक को दिन नहीं, वो हवा हवाई एकदम 10 साल, 10 चंदन जी 5 साल रहे और शंभू शरण पटेल 2 साल हो गया। किसको किसको लाइएगा इस बार ये बताइए। हम लाएंगे, हम लाएंगे एनडीए गठबंधन के ही उम्मीदवार को। हाँ मतलब मोदी जी पर, हाँ मोदी जी आएंगे पर ये लोग को वोट, मतलब मोदी जी आएंगे लेकिन जो सांसद है उनको नहीं 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 नहीं, अगर ये लोग आएंगे तो उनको नुकसान होगा। आप बताइए, आप लोग यूथ हैं, यूथ की काफी बड़ी भागीदारी होती है चुनावों में जी, इस बार 24 में मूड क्या है? 24 मोदी जी या फिर तेजस्वी यादव? नहीं नहीं मोदी जी तेजस्वी यादव तो कहीं है ही नहीं है, सब तो तेजस्वी यादव कहीं नहीं, सब ऐसी हवा हवाई है। कौन तेजस्वी यादव? हवा हवाई है सब, हवा मतलब मोदी जी, मोदी जी ये बोल रहे हैं कि काम हम नहीं हो रहा, काम तो नहीं है हुआ 10 साल में, 10 बार हमारे क्षेत्र में चिराग पासवान आया है जी। जमुई जब अथी है तो खाली जमुई नहीं ना है भैया, विकास अगर ना दीजिएगा, आइए ग्राम इधर इतना दूर आया, एक सांसद है ना, नहीं नहीं हमारे तो चिराग पासवान है, हाँ पूरा विधानसभा है जी, बिघा विधानसभा। मोदी जी से खुश है ना? मोदी जी तो खुद गदगद है, गदगद है, खाते केंद्र का है, गाते केंद्र का है, राज करने कुछ जानते नहीं, गाते हैं राज के कुछ कुछ नहीं जानते नहीं, कुछ नहीं लेते हैं। मोदी जी के नाम पे कोई होगा, केकरो कुत्ता बकरी भैंस गधा केकरो बांध दीजिए, केकरो वोट दे देंगे, केकरो दे देंगे। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि 13 तारीख को सिरारी में अटल चौक पर हम लोग चिराग पासवान का पुतला जला के बहिष्कार करेंगे, उसमें सब लोग को न्योता दे रहे हैं शेखपुरा का, जो जो गांव का लोग दुखी हैं, जो जो लोग के हित में ये काम नहीं किए हैं, आप लोग भी इसमें सहयोग करें। आप लोग बताइए, 24 का कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होगा, इस बार जनता का मूड क्या है ये बताइए। जो अच्छा काम करेंगे उनको वोट, तो अभी तक कौन अच्छा काम किया ये बताइए, हर बार तो जनता। अभी तो हम लोग को सांसद चिराग पासवान फील्ड में एक बार एवे नहीं किया, हम लोग पहचान वो नहीं करते चिराग पासवान, मतलब चिराग पासवान भी है नवादा लोकसभा में, चंदन सिंह भी है, हाँ हम लोग का है जमुई लोकसभा। किसको मतलब, मोदी जी को या फिर तेजस्वी को? हैं किसको कौजी फंस गए, किसको वोट दीजिएगा, मोदी को या फिर तेजस्वी को? हम लोग तो तेजस्वी को देंगे, तेजस्वी को दीजिएगा। हाँ आप तेजस्वी को क्यों दीजिएगा? उनका पसंद जी, आप तेजस्वी को क्यों पसंद करते हैं ये बताइए। वो नौकरी दिए इस बार बहुत, तेजस्वी जी नौकरी दिए? हाँ नीतीश कुमार भी साथ में थे ना जी, साथ में तो बहुत पहले से थे लेकिन कहाँ दे रहे थे, मतलब आप तेजस्वी को वोट दीजिएगा। हाँ। लोकसभा में भी 24 हाँ। में भी हाँ। क्योंकि तेजस्वी नौकरी दिए हैं। चलिए देखिए और भी कुछ लोग हैं, आप लोग बताइए, कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, इस बार जनता का मूड क्या है? मोदी 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 क्यों? मोदी जी से खुश है ना? मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, काम हो रहा है। और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, महागठबंधन के लोग कहते हैं कि मोदी जी कुछ करिए नहीं रहे, खाली जुमला पे जुमला, जुमला पे जुमला। महागठबंधन है मलाई खाने वाला, खाली काम करने वाला नहीं है। अच्छा महागठबंधन में कोई काम करने वाला नहीं है? कोई नहीं, सब लोग खाली मलाई खाना चाहता है, मतलब इस बार भी मोदी जी? मोदी जी, मतलब आप लोग मन बना चुके हैं?
अच्छा क्यों? अच्छा कोई तो रीजन होगा ना मोदी जी को, मोदी जी बहुत काम किए है। क्या क्या मतलब, एक दो काम हमको बताइए। 370 हटाया जी, राम को लाया। अच्छा राम को लाया इसीलिए मोदी को लाइएगा? राम को लाया तो मोदी को आना चाहिए ना। अच्छा राम को लाया तो मोदी आना चाहिए। देखिए और भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करें। आप बताइए, 24 का चुनाव है, वोट तो करते ही होंगे, पहले वोट तो करते ही होंगे, करते हैं ना, इस बार किसको वोट कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को या फिर तेजस्वी यादव को? अब जो काम करें बताइए, जो काम करेगा उनको तो अभी तक कौन काम किया? इधर आइए सर, मैं ये मत बताइए, अभी तक आपके देखने से कौन काम किया, किसको वोट कीजिएगा? अभी काम तो किया है मोदी जी, अभी तो बढ़िया काम किए हैं मोदी जी, बढ़िया काम किए हैं मोदी जी को दीजिएगा। हाँ। आप बताइए। हम तो तेजस्वी यादव को देंगे। क्यों तेजस्वी यादव को आप दीजिएगा? हमको तो वही अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल, तेजस्वी अच्छा लग रहा है। हाँ। क्यों इतना तेजस्वी अच्छा लग रहा है? अरे कुछ तो लगा हमको उसके अंदर, इसलिए हमको अच्छा क्या लगा वही तो जनता को बताइए क्या। कुछ तो वैकेंसी निकाले थे वगैरह भाई, बहुत कुछ, इसके वजह से हमको अच्छा लगा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी नौकरी दे रहे हैं? हाँ कुछ तो देगा ही, उम्मीद है, उम्मीद तो लग रहा है हमें, इसीलिए आप तेजस्वी को वोट। हाँ हाँ लोकसभा में भी। हाँ आप बताइए, वोट तो करते ही होंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ये तो मोदी जी बोलते हैं। तो चार तो वही तो बात है, तो मतलब मोदी जी बोले तब की बार 400 पार। बिल्कुल अभी बोल दी 400 पार। जी जी बिल्कुल, आप बोल रहे 400 पार, और जो महागठबंधन के लोग है, जो विपक्ष के लोग हैं, वो कह रहे हैं किस बार 200 नहीं जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं, बिहार में उसका जमानत जब्त हो जाएगा। किसका जमानत जब्त हो जाएगा? आरजेडी का। आरजेडी का जमानत जी? देखिए बोल रहे हैं आरजेडी का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे उनको लग रहा है कि आरजेडी का जमानत जब्त हो जाएगा, मगर हमको नहीं लग रहा कि आरजेडी का जमानत जब्त हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है जी। देखिएगा चुनाव बताएगा ना। अच्छा क्यों क्यों मोदी जी को वोट क्यों कीजिएगा? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं देश के। क्या क्या अच्छा काम किया? बहुत सेना के लिए, मतलब आम आदमी के लिए, सब किसान के लिए, सब सबके लिए सही कर रहे हैं। सबके लिए सही हो रहा है जी? किसान के लिए सही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, मतलब इसीलिए आप लोग खुश हैं जी? बिल्कुल। मोदी जी को ही लाइएगा, 24 का चुनाव होना है कुछ ही दिनों के बाद, किसको वोट कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को या फिर तेजस्वी को? मोदी जी। मोदी जी जी? क्यों मोदी जी? देश हित में काम कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी देश हित में काम कर रहे हैं जी? क्या क्या देश हित में काम हुआ? क्या क्या आपका गिनाने का बात है, सब चीज देश हित में ही कर रहे हैं। एक दो को बता दीजिए। राफेल खरीद भैया? नहीं नहीं, आप किसी को ही वोट दीजिए। हाँ। मेरा पूछना अधिकार है। हाँ। आप मोदी जी को दीजिए, तेजस्वी को दीजिए, आप किसी को। मोदी जी राफेल खरीदे? हाँ। चलिए आप बताइए, 24 में वोट करना है, तैयार है ना वोट करने के लिए? तैयार है सर। किसको वोट कीजिएगा? नरेंद्र मोदी वोट देंगे। नरेंद्र मोदी को ही दीजिएगा? जी हाँ। खुश है ना नरेंद्र मोदी से? खुश है। आप बताइए। हाँ, आपके बात तो सर, आपका ही बात सुनेंगे। आप बोल रहे थे जी, क्या बोल रहे थे? आप जो पूछेंगे वही ना बोलेंगे, पूछिएगा तो ना बोले। पूछ लिए किसको वोट किए, आपने बताया मोदी जी को जी। आप पूछे कि क्या काम मोदी जी का, काम कैसा चाहे ना वोट, आपको कितना काम हम गिना देंगे बताइए। गिना दीजिए। किसान योजना 6,000 रुपया जी, चावल जी, राशन, राशन राशन हाँ वही वाला है उसके। 5 किलो जो राशन मिल रहा है। हाँ अच्छा, 5 किलो राशन अभी नहीं मिलेगा, 5 किलो राशन में की होता है? अरे ये हम 5 किलो राशन, एक मिनट, सवाल ये नहीं था। 5 किलो राशन अब जाके उनसे ना पूछिए जिसको, नहीं ना 5 किलो में होता क्या? अच्छा एक, अच्छा मेरा एक सवाल, मेरा पहले मेरा आपसे सवाल है, आपने किसानों का बात किया, अभी दिल्ली में किसान लाठियां खा रहे हैं, तो दिल्ली में किसानों किसान है, BMW से कौन किसान आता है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये BMW और एक 1.5 लाख का सिस्टम लगा, कौन किसान आता है? किसान खाली होगा भैया, एक मिनट, किसान खाली होगा दिल्ली में है, बिहार के किसान किसान नहीं है, यूपी में किसान नहीं, तो आपने गए वहाँ लाठी डंडा खाने के लिए? आपने गए? आपने किसान है कहा था आपको, उसका मांग जाने लगा जाते आप समर्थन? अब दिल्ली में जो लोग हैं वो किसान नहीं, सब फर्जी है, एक नंबर का खालिस्तानी है, कुल एक नंबर पैसा लोग, सबके सब टोटल, एक उसमें सही आदमी को गिना दीजिए। अच्छा इस बार मोदी जी कितने पार करेंगे? अरे मोदी जी इस बार अनगिनत, रिकॉर्ड, इस बार रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मोदी जी जो बोले वो करके दिखा देंगे ग्राउंड में जी। 400 कम बोले, उनको टोटल बोलना चाहिए था, टोटल 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 A to Z। इस बार एक सीट था ना RJD का, क्या बताइए? आप बताइए। बोलिए मोदी जी 400 पार लाएंगे इस बार, एकदम अच्छा से लाएंगे, 400 पार एकदम। विपक्ष तो उड़ गया, अब कहूँ है कुछ नहीं है, विपक्ष उड़ गया, उड़ गया हवा में,
कैसे कह सकते रीजन क्या थे कैसे पार कर जाएंगे? पहला तो महागठबंधन तो चाहेंगे थोड़ा हम भी जाना चाहेंगे मोदी जी कैसे पार कर जाएंगे कुछ तो कुछ बता चले गए ये नहीं है नीतीश से कुमार चले गए तो महागठबंधन चला गया। अब वो लोग जो है कुछ लोग के पास नहीं है ना ढोल है ना बाजा। अब ये खाली देख रहे हैं कि तेजस्वी जी है अब कुछ है ही नहीं है जहाँ पर हम लोग क्रिकेट खेल रही है तो इनका एगो बॉलर तो रहना चाहिए ना। यही खाली एगो ये बॉलर का रोल निभा रहा है बैट्समैन तो हम ही लोग रहेंगे वो जो कहते हैं हाँ ठीक है अच्छी बात है ठीक है। एक बॉलर का कम से कम एक बॉलर का तो मिसाल तो दिया कि एक बॉलर होना चाहिए बैट्समैन को आउट करने के लिए। हम भी तो देखिए क्या बोल रहे सुन लीजिए बैट्समैन को बैट्समैन को इनका कहना है कि बैट्समैन को आउट करने के लिए हाँ तो बैट्समैन का करियर भी तो बॉलर का बैट्समैन भी तो करियर है ना खराब करता है जी बैट्समैन है ना खराब करता है। सुने होंगे युवराज सिंह का नाम गर्दा उड़ा दिया मार का इसने बॉलर के गर्दा उड़ा दिया मार के वही हालत होगा। आई पूछे कि इस बार 24 में कैसे आएगा आप चुनाव का घोषणा होने दीजिए काउंटिंग होगा फिर पता चलेगा कैसे आएगा मोदी खत्म मोदी जी आएंगे अरे मोदी जी आएंगे बाहर लेके आएंगे क्लियर है कहीं कोई दगा नहीं है। आप लोग बताइए आप बताइए इधर हंस रहे हैं आप में जनता का मुन्नावाड़ा लोकसभा के जो लोग हैं उनका मूड क्या है किधर जाएंगे इस बार मोदी देने जाएगा मोदी देने जाइएगा मूड बना लिए हैं एकदम मोदी ही आएंगे। आप बताइए काफी बुजुर्ग लग रहे हैं आप मोदी जी से खुश हैं हाँ खुश हैं तो मतलब मोदी जी ही आएंगे तेजस्वी नहीं आएंगे हाँ तेजस्वी आप ऐसे भी और तो जानो जो हम निर्देश करने के मतलब आप मोदी जी को ही लाइएगा देखिए और भी कुछ लोग हैं आप लोग बताइए कुछ दिन हम लोग भैया बाहर से आए आप लोग बताइए आप लोग यहीं के रहने वाले हैं यहीं के रहने वाले हैं। चलिए तो अभी आपने देखा हम लोगों से राय जानने पहुंचे थे आपको बताते कि देखिए इस वक्त हम नवादा लोकसभा क्षेत्र में थे आपको बताते चले कि कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में हम लोगों से जानने निकले थे कि लोगों का मूड क्या है इस बार 24 में जनता किसको लाएगी नरेंद्र मोदी या फिर तेजस्वी यादव। तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया है वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी भगवान राम को लाए हैं तो हम नरेंद्र मोदी को लाएंगे और इस बार 400 से भी पार सीट नरेंद्र मोदी लाएंगे यानी बीजेपी लाएगी और वहीं कुछ लोग का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव को लाएंगे क्योंकि तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं तब तक धन्यवाद।